बेगिन माने वीडियो तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं Vivo T2X फोन में लॉक स्क्रीन पोस्टर सेटिंग गाइस कैसे इनेबल करें। गाइस अगर आप अपने फोन में लॉक स्क्रीन पोस्टर सेटिंग को इनेबल करके अपने फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज करना चाहते हैं बट अगर आप चेंज नहीं कर पाते, मैं आपको सेटिंग करके बता रहा हूं अपने फोन में लॉक स्क्रीन पोस्टर सेटिंग गाइस कैसे इनेबल कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर गाइस ऑटोमेटिक गाइस कैसे चेंज कर सकते हैं। आप अपने फोन में जितनी बार गाइस पावर बटन को यूज करेंगे उतनी बार आपके फोन में बिल्कुल लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होकर आएगा। तो अगर आप भी अपने फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल गाइस चेंज कर सकते हैं। बट गाइस चेंज कैसे करना है मैं आपको चेंज करने की पूरी सेटिंग गाइस बता रहा हूं, ठीक है। साइड में फोन मिलेगा आपको, देखिए पहले करना क्या, अपने फोन की गाइस सेटिंग को ओपन कर लेना है। फोन की सेटिंग गाइस ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, यहां पर गाइस क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर गाइस क्लिक करेंगे आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग, यहाँ पर गाइस क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर तीसरे नंबर पर मिलेगा चेंज लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। यहाँ पर गाइस अगर आप इसको डिसेबल करके रखें इसको गाइस पहले इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। इनेबल जब गाइस कर लेंगे आपको फर्स्ट में मिलेगा लॉक स्क्रीन पोस्टर, यहाँ पर गाइस क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे अगर अपने फोन में जो फर्स्ट वाली सेटिंग है लॉक स्क्रीन पोस्टर, ठीक है, अगर आप इसको डिसेबल करके रखे हैं आप इसको फर्स्ट वाली सेटिंग इनेबल कर लेना और जो नीचे ओल्ड सेटिंग मिल रही है इसको भी इनेबल गाइस कर लीजिएगा। यहाँ पे करंट वॉलपेपर, यहाँ पे करंट वॉलपेपर पर गाइस क्लिक करेंगे काफी वॉलपेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐड लोकल वॉलपेपर, अगर लोकल वॉलपेपर भी आपको ऐड करना है बिल्कुल आप यहाँ से अपने फोन में जो फोटो क्लिक करके रखते हैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फिलहाल बात करें तो नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ पे ऑटो अपडेट का ऑप्शन है, ऑटो अपडेट को वैसे दोनों सेटिंग जो नीचे की है इसको वैसे इनेबल करके रखना है। कभी भी अगर आपके फोन के लॉक स्क्रीन पोस्टर में न्यू अपडेट आएगा तो नया वॉलपेपर गाइस यहाँ पे बिल्कुल ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, आपको यहाँ से आके बिल्कुल गाइस अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सेटिंग को कैसे इनेबल कर दिया, देखिए हम दिखाते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे। देखिए फोन को हमने लॉक किया, ठीक है। तो जितनी बार अपने फोन में पावर बटन को गाइस प्रेस करेंगे उतनी बार हमारे फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर गाइस बिल्कुल ऑटोमेटिक चेंज हो के आएगा, ठीक है, देख सकती हैं। तो अगर आप भी अपने फोन में लॉक स्क्रीन पोस्टर सेटिंग को गाइस इनेबल करके अपने फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज करना चाहते हैं तो सेम ऐसे सेटिंग करके बिल्कुल गाइस लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। गाइस तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।